हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो तुम सभी लोग? अच्छे हो? मैं भी अच्छा हूँ। और आज की इस वाली वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं, अरे वही जो हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में खेला था। नहीं देखा? ये जो तुम लोगों को बगल में वीडियो दिख रहा है, बस यही वाला वीडियो। मैं तुम लोगों को इसकी लिंक कमेंट में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कहीं ना कहीं तो दे ही दूंगा, जाके देख लो। तो अब बहुत हो गया प्रमोशन, तो अभी हम लोग चलते हैं जल्दी से अपने वीडियो की तरफ। तो ओके गाइस, हम लोग अभी इस प्यारी सी दुनिया में स्पॉन हो चुके हैं। मुझे तुम लोगों को ऊपर सूरज दिख रहा है, बस वहीं से अभी मैं फिसल के गिरा हूँ। और इस दुनिया में आती मुझे पता चला है कि यहाँ पे सबसे पहले मुक्के मार मार के लकड़ियाँ तोड़नी होती हैं, तो मैं सारी की सारी लकड़ियाँ तोड़ लेता हूँ। ओके गाइस, हमारे पास आ चुकी हैं टोटल 16 लॉक्स। अब हम इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे प्लैंक्स में, एंड प्लैंक्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे स्टिक्स में, एंड अब इन स्टिक्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे क्राफ्टिंग टेबल में। और अभी इस क्राफ्टिंग टेबल में हम बनाएंगे पिकैक्स। जल्दी से नीचे चलते हैं, 1 2 3, यहाँ से हम ले लेंगे ढेर सारा स्टोन। ओके गाइस, तो अभी हमें मिल चुके हैं पूरे 21 स्टोन्स। अब इससे हम बनाएंगे अपने स्टोन के टूल्स। ये आ गई हमारी पिकैक्स, ये आ गई हमारी एक्स, बाकी का बचा हुआ कूड़ा हम अपना इसमें फेंक देंगे। बस तेरा यहीं तक काम था, अपनी ये क्राफ्टिंग टेबल लेके अभी हम लोग चलते हैं कोई विलेज ढूंढने। बस पिछले वीडियो की तरह इसमें भी एक अच्छा सा विलेज जल्दी से मिल जाए। मेरा लक वैसे अच्छा तो है विलेज ढूंढने के बाद उस मामले में। सीधे सामने बायोम है, एंड बायोम के स्टार्टिंग में ही विलेज, एंड विलेज के स्टार्टिंग में ही ब्लैक स्मिथ। इस बार तो यार लग पिछले वाले से भी ज़्यादा अच्छा हो गया। जल्दी से चलते हैं इस ब्लैक स्मिथ के घर में लूट पाट मचाने। खोला गेट, चेस्ट का है इधर। फर्स्ट टाइम मुझे सवेना में ये ब्लैक स्मिथ मिला। एक ये चेस्ट प्लेट, ब्रेड, हेलमेट सब पहन लेते, कच्चे और थोड़े जूते भी मिल जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा लालच अच्छा नहीं होता, जो मिल गया वही बहुत है। वैसे मेन इसमें मुझे विलेजर्स चाहिए, विलेजर्स मिल जाए। अरे कहाँ जा रहे हैं? रुक मर, क्रेट क्यों नहीं खा रहा? क्रेट खाने से क्यों डर रही है? फक, अच्छा इंसान था, तीन तीन पॉक चॉप दिए इसने। वो जल्दी से पहले कोई विलेजर ढूंढते हैं और विलेज के बाकी के घरों को भी लूटते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे विलेज लूटते लूटते मुझे इनका खजाना भी मिल गया है। ये खजाने के बगल में छोटा सा खेत क्या कर रहा है? छोड़ो उससे मुझे क्या लेना देना, मुझे तो खाली अपना ये पीला पीला सोने जैसा खजाना लेना है। जल्दी से मैं इनके सारे के सारे हेबेल्स को लूट लेता हूँ, उसके बाद फिर इनको 2-4 एमरल्ड दे के। एंड ये पूरा विलेज लूटते टाइम मुझे यहाँ पर बीच में एक आयरन गोलम भी मिला था, जिसको मैंने मार दिया और उसने मुझे बड़े प्यार से 5-5 आयरन दे दिए। कुछ विलेजर्स मिले तो थे जिनमें से 2 नेटवेट थे। इस घर में कुछ है? लेदर के कपड़े। अभी मुझे फटाफट से इन सब की जॉब छीननी होंगी ताकि ये कुछ अच्छी ट्रेड देने लग जाएं। ठीक है गाइस, फिर फटाफट मैं इनकी जॉब छीन के फिर तुम लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस, अभी मैं ढेर सारी वुड कलेक्ट करके तो आ गया हूँ, क्योंकि मैंने इन सारे के सारे विलेजर्स की ट्रेड चेंज कर दी और मैंने ये स्पेशल फ्लेचर भी बनाया है, इससे मैंने ढेर सारे एमलेट्स ले लूँगा। मैं इतनी वुड कलेक्ट करने में, सारी सबकी ट्रेड चेंज करने में मुझे पूरा 1 घंटा लग गया, इसीलिए मैंने तुम लोगों को वो सारी की सारी क्लिप्स नहीं दिखाई हैं। एंड बीच में मेरी रिकॉर्डिंग भी एक बार बंद हो गई थी,
अभी और ट्रेड करेगा क्या करेगा, जिनके लेवल अप होते हैं तो कभी कभी ये ट्रेड करना बंद कर देते हैं। जैसे फार्मर मुझे दे रहा था शायद स्ट्रॉन्ग होल्ड दे रहा था, फटाफट से मैं किसी विलेजर को ढूंढता हूँ। ठीक है, फटाफट मैं ट्रेड भी कर लेता हूँ। अब तो ओके गाइस, तो अभी मैंने सारे के सारे स्ट्रक्चर्स के स्पॉन एग इन सब विलेजर्स से ट्रेड कर लिए हैं। वैसे इसमें और भी बहुत सारे एग्स हैं लेकिन वो सब मुझे इन विलेजर्स से मिले नहीं। एंड अगर मैं अभी इनके ट्रेड चेंज करने बैठता तो मुझे और भी एक डेढ़ घंटा लग जाता, इसलिए मैंने इनके ट्रेड्स भी नहीं चेंज किए हैं। यहाँ पर जल्दी से ये चीज़ स्पॉन करके देखते हैं। भूल गया ये क्या था, रेंट पोर्टल। तो अभी इस रेंट पोर्टल के अंदर चलते हैं, देखते हैं इसका चेस्ट कहाँ है। चेस्ट तो गोल्ड ब्लॉक तो है लेकिन इसका चेस्ट इधर है, छुपा के रखा है यहाँ पर। यार मुझे पहले सिर्फ एक एग लेके इसको स्पॉन कर देना चाहिए था। यहाँ से मुझे एमराल्ड भी मिल गए, गोल्डन एप्पल भी मिल गए एंड ऑब्सीडियम भी मिल गए जिससे हम नेदर भी जा सकते हैं। एंड अगर हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड में सारे के सारे आइस लगी हुई मिल गई तो और भी अच्छा। तो अभी हम दूसरा स्ट्रक्चर भी स्पॉन करते हैं, चलते हैं अपना जल्दी से। ये कौन सा है, ओपीएन सिटी बोट शिप। इसको हम बाद में स्पॉन करेंगे, पहले हम करेंगे नॉर्मल वाली एंड सिटी। बड़ी जल्दी स्पॉन हो गई। रोइन पोर्टल छोटा स्ट्रक्चर था तो उसको टाइम लगा। पहले हम पानी ले लेते हैं वरना ऊपर चढ़ने में मुझे बहुत दिक्कत आने वाली है, बार पर ब्लॉक्स ले जाने पड़े। जल्दी से चलते हैं अभी इस वाटर के यूज़ करके ऊपर, वहाँ पे नहीं प्लेस कर सकता, उस पेड़ पे चलेंगे हम। पेड़ के अंदर घुस गया, आ जाओ मेरा पानी वापस। और अभी इधर डालेंगे कोने में। तो चलते हैं हम लोग जल्दी से ऊपर, फटाफट लूटते हैं इस एंड सिटी शिप को और ऊपर चलते हैं। सीढ़ियों में नहीं जाना है, ऊपर चल, उठा लो पानी और अंदर कोई शेल्टर तो नहीं है। चलते हैं पहले इधर से, पोशन इधर नहीं मिलेगा, छोड़ो। अंदर कोई शेल्टर नहीं है, फटाफट से यहाँ से लूट लेते हैं। डायमंड स्वॉर्ड विद शार्पनेस 2, लूटिंग 2। ब्लेजर्स को मारने में जल्दी ब्लेज रॉड मिलेंगे, आयरन मिल गया है, गोल्ड भी ले लेते हैं अगर ट्रेड करना पड़ा तो वो भी कर लेंगे। एंड अभी देखते हैं, बूट्स अच्छे हैं पहन लेते हैं फटाफट। एंड अभी हम लोग दूसरे वाले चेस्ट को भी देखते हैं, बस चलते हैं फटाफट। एंड मेन चीज़ इलाइट्रा, क्या किया अपने इलाइट्रा, फटाफट पहन लेते हैं। यहाँ से फिर हम सीधे, यहाँ से नहीं, हम यहाँ पोशन लेंगे पहले। ये वाले दोनों पोशन मैंने ले लिए हैं, इलाइट्रा मैंने पहन रखा है। लेते हैं हम अपनी पहली उड़ान। इलाइट्रा कूल लग रहा है यार, गोल्डन इलाइट्रा मस्त, स्किन से मैच भी कर रहा है, पीला पीला। अभी हमारा दूसरा स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, हम लोग अब नेक्स्ट क्या स्पॉन करें बताओ जल्दी से गाइस। पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड स्पॉन करेंगे, उसके बाद ही प्लेयर्स स्पॉनर को देखेंगे। अभी के लिए हम इसको स्पॉन करें कि ना करें,
करें कि ना करें छोड़ो, वैसे भी काम तो नहीं आने वाला। चलो तो यहाँ पर मुझे ये दिखे, पिछले एंड सिटी में शेल करनी थी तो इसमें भी हैं। भागो, पीछे से वो इतना कंधा मारेंगे ना। आर्मर भी नहीं है मेरे पास, आर्मर पहन लेता हूँ अपना, जो है उतना ही पहनता हूँ। अरे यार लाइटर पहन लेता हूँ, ऊपर से जाके फिर अगर इन्होंने गिराया तो मैं पहुँच भी सक। गया गया गया, बड़ी जल्दी मर गया। जल्दी उड़ाओ और ऊपर, यार कुछ इफेक्ट ही नहीं दे पाते ये लोग। जल्दी से नीचे चलता हूँ मैं, इनसे तो कुछ होने नहीं वाला है। अंदर से यहाँ से लूट लेते हैं, हमें ध्यान भी देना पड़ेगा, टाइम टू टाइम गोल्डन एप्पल खाना पड़ेगा, वरना पीछे ये राक्षस बैठे हुए हैं कि मुझे कच्चा चबा जाएंगे। चबाएंगे तो नहीं, वैसे स्नाइप करके मार देंगे। यहाँ पर एक और स्वर्ड है जो बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड लगा है, नहीं चाहिए मेरे पास शार्पनेस एंड लूटिंग वाली है। यार चड्डी क्यों नहीं मिली, चड्डी चाहिए थी मुझे। गोल्ड रख लेते हैं एंड आयरन भी रख लेते हैं, फिर चलो जल्दी काश तोड़ के चलते हैं। लाइटर तो है ही मेरे पास, कूदो। ये लाइटर, लाइट मैंने लाइटर नहीं पहन रखा था। थैंक यू गोल्डन एप्पल, बचा लिया तूने मुझे, अब पहन ले। लो अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ा इन्होंने, मारे ही जा रहे हैं। उस शर्म वरम है अभी तुम लोगों के अंदर कि नहीं, जब देखो बस मार के हवा में उड़ा देंगे बस। चलो अब पानी था तो मैं बच गया, मेरी वाटर बकेट मुझे नहीं मिली है। कोई बात नहीं, दूसरी बना लेंगे, आयरन तो बहुत सारा मिल ही गया। तो अभी जल्दी से पहले हम लोग जल के अपने घर पे सोते हैं। तू कहाँ सो रहा है, उठ, मुझे सोने दे। पीछे इतने क्रीपर और ज़ॉम्बीज थे ना, जैसे तैसे बच के आए हूँ। एंड अभी हमारी सुबह हो चुकी है, तो यहाँ पर हम जल्दी से कोई और स्ट्रक्चर को स्पॉन करते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर स्पॉन किया जाए, क्या वो एंड सिटी तो नहीं करने वाला, बहुत बुरी जगह है। कौन मार रहा है, भागना पड़ेगा पहले, पीछे देखो, ज़ॉम्बी था, मर भी गया अपने आप ही, धूप से जल गए। सूरज दादा ने हमें बचा लिया। एंड सिटी तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, ओपी एंड सिटी बोट देखते हैं, इस बोट में कुछ तो होगा। कहाँ पे स्पॉन हुआ है, बॉटल निकाल देता हूँ मैं पहले, बॉटल फेंको। यहाँ पे रखता हूँ मैं क्राफ्टिंग टेबल और फटाफट मैं यहाँ से एक डायमंड पिकैक्स बना के सारा का सारा नेदराइट निकाल के, तो मैं अपना नेदराइट का आर्मर बना के फिर ऊपर मिलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऊपर बहुत ज़्यादा खतरे होने वाले हैं। आगे हमारी हमारा पहला डायमंड ब्लॉक, दूसरा डायमंड ब्लॉक, तीसरा डायमंड ब्लॉक, बस इतना डायमंड काफ़ी है। अभी चलते हैं, इससे हम बनाएंगे अपनी नेदराइट गियर पूरी की पूरी।
तो अभी मैं दोबारा से इस एंड शिप के अंदर आ चुका हूँ। पहले अपना लावा उठाते हैं, उसको तो कुछ कर नहीं पाया, मुझे ही जला लेगा बस, बेकार लावा। जल्दी से चलते हैं साइड से अंदर। एक और लाइटर है, इसका कोई काम नहीं है। कौन से मैं सर्वाइवल शुरू करने वाला हूँ जो मुझे चार चार लगने वाले हैं। यहाँ पर भी एमरल्ड है और कुछ नहीं, चेस्ट प्लेट काम की है। पहले इंचांटेड गोल्डन एप्पल हम उठाएंगे अपने सारे के सारे। तो रेक्टाइल प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, वैसे ले लेता हूँ, एटलीस्ट उससे बचूंगा मैं स्केलेटन के एरोस से, कुछ तो फायदा होगा। बाकी सब सारा का सारा कूड़ा मैं अपना इसमें डाल देता हूँ, एमरल्ड्स की ज़रूरत नहीं है। सो जाते हैं, सुबह हो गई, सुबह सुबह हम अपना ताज़ा ताज़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड को स्पॉन करेंगे। देखेंगे अगर उसमें 12 आइस लगी हुई होंगी तो फिर हम लोग ब्लेज स्पॉनर को स्पॉन नहीं करेंगे, और अगर नहीं लगी होगी तो कर लेंगे। क्या है फालतू में ये ज़ॉम्बीज आ जाते हैं ना परेशान करने, थोड़ी सी भी अकल तो है नहीं इनमें। पूरा साफ हो गया यार इधर, ये देखो पूरा का पूरा एरिया साफ हो गया। तो अभी हम लोग गैस तोड़ के फटाफट इस स्ट्रॉन्ग होल्ड रूम के अंदर चलते हैं। एंड ये खिड़कियाँ देख के मुझे आराम से पता चल गया था कि यहीं पर है। एंड ये जो मेरी इन्वेंटरी में रॉकेट्स दिख रहे हैं इनके बारे में कोई पूछेगा नहीं, फटाफट इसको तोड़ते हैं। और ये तो पहले से एक्टिवेटेड है, मज़े ही मज़े। ब्लेज स्पॉनर कोई काम नहीं है, हम लोग इसको यहीं पे फेंक के चले जाते हैं अंदर साइड से, चाहिए नहीं अपनी इन्वेंटरी में, कूड़ा है। ये आ गए हम लोग इसके अंदर, पीछे से वो खाली है। मैं पीछे गलती से चला जाता तो सीधे खेल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। एंड पिछली वाली वीडियो में मैं इस एंडर ड्रैगन को नहीं मार पाया था, लेकिन इस वाली वीडियो में मैं पक्का ख़त्म करूँगा, क्योंकि मैंने तुम लोगों से पिछली वाली वीडियो में कुछ वादा किया था कि मैं इस वाली वीडियो में भले ही इसको ना ख़त्म कर पाया हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में पक्का ख़त्म करूँगा। एंड इस बार ये पूरा का पूरा मरने वाला है। कितना लगा रखा है एंड स्टोन। तो सबसे पहले इन रॉकेट्स का यूज़ करके हम उड़ेंगे। लाइट्रा नहीं पहने, पहन लिए, चलो पहन लेते हैं। एंड एक तो रॉकेट तो मेरा ख़त्म हो गया, रोड़ा क्यों नहीं। ये यहाँ पर लैंड और ब्लॉक चाहिए, एक ब्लॉक दो ब्लॉक। यहाँ पर ये, अरे 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 पूरे में आग क्यों लग रही है। टांगे बचाओ अपनी, मुझे पता है एंड क्रिस्टल सबसे पहले टांगों को अटैक करता है, तो टांगे तोड़ तोड़ के मारता है तुम्हें। एक गोल्डन एप्पल खाते हैं, भूख मिटाते हैं, लेकिन तोड़ना तो ऐसे ही पड़ेगा। ओके गाइस, तो मैं तुम लोगों से मिलता हूँ सारे के सारे एंड क्रिस्टल फोड़ने के बाद। ओके गाइस, तो अभी मैंने सारे के सारे एंड क्रिस्टल फोड़ दिए हैं। एंड फोड़ते फोड़ते बीच में मेरा पानी भी सारा का सारा ख़त्म हो गया था। फटाफट मैं इसको ख़त्म करता हूँ, एक हेड डैमेज तो इसको अच्छा आ रहा है। ओके, तो मैंने इसकी एचपी बहुत ज़्यादा कम कर दी है, लेकिन ये दोबारा से उड़ गया। मैंने एक अपने सारे के सारे ख़त्म भी कर दिए एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल इसके चक्कर में। अरे 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 अरे, जिधर देखा मुझे उधर ही ये फायर कर देता है अपना ये गोला। चलो अपने पास आ चुके हैं ढेर सारे हार्ट एंड ड्रैगन, दूर जाके मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। अरे यार, गोल्डन एप्पल की कोई इज्जत ही नहीं रह गई है ड्रैगन ब्रिथ के सामने, धड़ाई धड़ दो दो हार्ट खा रहे हैं। ये पोर्शन ऑफ स्ट्रेंथ था क्या, इसमें कितने इफेक्ट मिल गए हैं मुझे। तू क्यों मार रहे है? मारने तो वैसे मुझे इसके मारने से इफेक्ट कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरे पास रीजनरेशन है। एक और खा, बस थोड़े से शॉट का बचा है, दोबारा आके बैठ तू, बस जल्दी बैठ। तब तो पहले तो इस एंडर ड्रैगन की बचानी पड़ेगी। एंडर मैन, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तो थोड़ा सा रुक जा, बस इसको मारूंगा मैं पहले। मर, बस एक एचपी पर बचा है यार, रुक जा, मैं तुम लोगों को आज़ादी दिलाने आया हूँ।
एक और पिछवाड़े पे खा। पिछवाड़े पे मार के मैंने इसको खत्म कर दिया है गाइस। एंड मुझे ये पोशन स्टार्टिंग में, फाइट के स्टार्टिंग में यूज कर लेना चाहिए था, तो ये फाइट और भी ज्यादा जल्दी खत्म हो जाती। मुझे मिला था स्पीड रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस, रीजनरेशन, एब्जॉर्प्शन। एंड अभी भी मेरे शरीर से बुलबुले निकले जा रहे हैं जैसे मैंने कोई साबुन खा लिया हो सुबह सुबह। चलो ओके गाइस, फिर इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड गाइस, जैसे इस वाले वीडियो में 250 लाइक्स होते हैं वैसे ही मैं Q&A को अपलोड कर दूंगा। एंड इस बार मैं सच्ची में अपलोड करूंगा क्योंकि मैंने Q&A की पूरी तैयारी कर ली है। बस तुम लोग क्वेश्चन पूछो, तो मैं तुम लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।